मैं जितेंद्र पांडे एक बार फिर से अपनी बातें के मुताबिक आप लोगों के बीच आया हूँ, एक नया वीडियो लेकर के। और इसमें आज हम लोग पुनः कुछ क्वेश्चंस हैं उनका समाधान करेंगे विकल्पों की सहायता से, और साथ ही साथ जो हमारा सिलेबस है उसका भी रिवीजन करते चलेंगे। जो यूट्यूब पे हमारे वीडियोज उपलब्ध हैं उनमें भी जो भी विषय वस्तु हमने प्रस्तुत किया है उन सभी विषय वस्तुओं का रिवीजन भी चलता रहेगा साथ ही साथ। तो कुछ क्वेश्चंस भी आपके तैयार होंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, और दूसरी तरफ हम जो हमारा पाठ्य वस्तु है, जो सिलेबस है, उसको भी कहीं ना कहीं हम रिवाइज करते चल रहे हैं। ऐसे बच्चे जो हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं या पहली बार वीडियोज को देख रहे हैं तो वो हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे जिससे उनकी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। जनरली मैं ऐसी बात कहता नहीं हूँ आप लोगों से, लेकिन अभी परीक्षा का टाइम है तो सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में ये ध्यान देना आपको थोड़ा महत्वपूर्ण है कि जहाँ से भी आपको एक एक नंबर करके इकट्ठा करना है, क्योंकि आपको अधिक से अधिक नंबर चाहिए होंगे, केवल आपको पासिंग मार्क्स से और काम नहीं चलने वाला। तो ऐसे में आप ये ध्यान दीजिए कि जहाँ से भी आपको जो भी जानकारी मिले परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी हो उन समस्त जानकारियों को आप लेने का प्रयास कीजिएगा। और ऐसे में हम कह रहे हैं कि जो बच्चे पहली बार जुड़े वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियोज़ को लाइक करते रहेंगे और अपने मित्रों के साथ भी साझा करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ। अच्छा, दूसरा ये कि जो बच्चे हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको नई जानकारी हो तो उनके मैं बता दूँ कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी फॉर यूपीटेट आप जाकर के प्लेलिस्ट पे हमारे वहाँ पूरा सिलेबस का जो है वीडियो अपलोड किया गया है, और हमारा एक सहयोगी यूट्यूब चैनल है उससे भी हमारे कुछ वीडियो हैं। तो जब प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो उसकी सहायता से आप दूसरे यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे तो समस्या नहीं है, वीडियो आपको हमारे ही मिलेंगे, पूरा सिलेबस यहाँ पढ़ाया गया है। और साथ ही साथ हम रिविजन क्लासेस चला रहे हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, तो उससे भी आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको सहायता मिलेगी। कल हमने कुछ क्वेश्चंस के विषय में चर्चा की थी, डिस्कशन किया था, और आप लोगों के रिस्पॉन्स भी बेहतर आए हैं जिन लोगों ने वीडियो को वॉच किया है। और आप लोगों का अप्रिसिएशन जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपको पता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसे में आपके द्वारा किया गया प्रत्येक उत्साहवर्धन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है कि आपके समझ में आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है, आपके लिए हमारी चीज़ें यूज़फुल हो रही कि नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चलिए हम बात करते हैं, आज सबसे पहले हमने जो अपना पहला क्वेश्चन लिखा है अब वो अधिगम के टॉपिक से है। ध्यान दीजिएगा, अधिगम के टॉपिक आपके पूरे यूपीटेट के सिलेबस में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं अपनी क्लासेस में लगातार चर्चा करता हूँ कि यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपके यूपीटेट में आने वाले हैं, उसमें कोई इफ्ट नहीं है। दूसरा जो टॉपिक होगा सबसे महत्वपूर्ण वाला, वो हम कहते हैं शिक्षण का टॉपिक होगा, या हम कह रहे हैं कि बाल विकास की व्यवस्था, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके यूपीटेट के सिलेबस में। तो कोई इशू नहीं है, और स्पीड को लेकर भी कोई समस्या नहीं, आप लोगों ने कुछ कहा नहीं है तो इसका मतलब कि आप लोग समायोजित हो चुके हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, जितने भी कारक हैं वो सभी अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले हैं। मैं अधिगम की क्लास आप हमारे यूट्यूब से देख सकते हैं, अन्यथा जो बच्चे ऑफलाइन क्लास किए हैं उसमें ही हम बताते हैं कि जैसे कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यहाँ से प्रश्न आया है ये, और फिर प्रश्न आते भी हैं। देखिए, हम बात कर लें किसी बालक का पूर्व ज्ञान हो जाए, उसके सीखने की इच्छा हो जाए, अभिप्रेरणा हो जाए, हम थकान की बात कर लें, वातावरण की बात कर लें, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की बात कर लें, परिपक्वता व आयु की बात कर लें, विषय वस्तु की बात कर लें, सीखने की विधियों की बात कर लें, ये समस्त प्रकार के कारक ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। हालांकि आपको क्या देखना है, आप यहाँ मेंशन कीजिए मनोवैज्ञानिक कारक, आपको देखना है कि अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। तो इसका मतलब कि 4 विकल्प दिए गए, इसमें से 3 आपके ऐसे हैं जो मनोवैज्ञानिक कारक हैं और चौथा ऐसा जो मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। तो देखिए, प्रेरणा की बात की जाए या अभिप्रेरणा की बात करें तो ये आपका मनोवैज्ञानिक कारक है। अगर हम रुचियों की बात करें तो ये भी मनोवैज्ञानिक कारक है। सीखने की इच्छा की बात करें तो ये भी आपका मनोवैज्ञानिक कारक। एक ऐसा कारक विषय वस्तु का स्वरूप, तो देखिए मनोवैज्ञानिक कारक नहीं, ये आपका कहीं ना कहीं भौतिक कारक है। विषय वस्तु के स्वरूप की बात करें तो ये आपका भौतिक कारक है। यहाँ देखिए, प्रेरणा अगर आपके अंदर होती है, अभिप्रेरणा जिसको हम कहते हैं, अगर ये आपके पास सीखने की होती है तो कहीं ना कहीं आपके सीखने की प्रक्रिया प्रभावशाली ढंग से चलती है। और जब अभिप्रेरणा की हमारे पास कमी हो जाती है तो आप देखते हैं कि सीखने की प्रक्रिया प्रभावशाली ढंग से नहीं चल पाती। दूसरा, हम बात करें रुचि की, तो जनरली हम उन्हीं चीज़ों को सीखते हैं जिनको लेकर के हमारे अंदर रुचि होती है, उन विषय वस्तुओं को लेकर के उसको हम प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। फिर बात करें सीखने की इच्छा की, तो सबसे महत्वपूर्ण यही होता है भाई, अगर आपके पास
इच्छा है तो अभी तभी आपको अधिगम कराया जा सकता है, अदरवाइज किसी कंडीशन में आपको अधिगम नहीं कराया जा सकता। और फिर विषय वस्तु, ये ऐसा नहीं कि अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, ये भी आपको अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। विषय वस्तु जनरली दो प्रकार से आपके अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। एक तो हम ये अपनी क्लास के दौरान चर्चा करते हैं कि विषय वस्तु बालक के लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कि जो आपका स्तर है मान दिन की, अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस होगा तो आपके समझ में आ गया। इंटरमीडिएट लेवल का आपको सिलेबस दिया जाएगा, थोड़ा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी आपको। और दूसरा ये कहते हैं कि जो विषय वस्तु हो वो आपकी आवश्यकता के अनुरूप हो, मतलब कि हम यूपी टेट पढ़ रहे हैं, अगर यूपी टेट की विषय वस्तु दी जाएगी तो हम प्रभावशाली ढंग से सीखेंगे, अदरवाइज प्रभावशाली ढंग से अधिगम आपका नहीं हो पाएगा। तो विषय वस्तु भी अधिगम प्रक्रिया प्रभावित करता है, लेकिन आपको मनोवैज्ञानिक कारक की बात की गई है, ये विषय वस्तु का जो स्वरूप है ये मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। आपका कौन सा कारक, ये भौतिक कारक है, ठीक है। तो आई होप कि पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे देखिए अगला प्रश्न लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ आपका विषय वस्तु का स्वरूप सही होगा, चौथा विकल्प सही होगा। देखिए अगला प्रश्न, सीखने के वक्त अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये डेफिनेशन है, और किसकी डेफिनेशन है, सीखने के वक्त की डेफिनेशन है, यूपी टेट 2018 में आया हुआ प्रश्न है, पूछा गया था। देखिए है क्या कि हम इसके संबंध में तो बात करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले देखिए जो अध्ययन के वक्त होते हैं, कर्व्स ऑफ लर्निंग जिसको हम कहते हैं, पूछा जाता है किसके सूचक होते हैं। देखिए अध्ययन के जो वक्त होते हैं, ये एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि अध्ययन के वक्त सीखने के प्रगति के सूचक होते हैं, सीखने के प्रगति के सूचक होते हैं। आप गति नहीं, ध्यान दीजिएगा, गति की बात नहीं करूँ, केवल प्रगति की बात कर रहे हैं। तो प्रश्न पूछा कि सीखने के वक्त किसके सूचक होते हैं, तो मित्रों सीखने के वक्त जो सीखने के प्रगति के सूचक होते हैं। अब देखा जाए कि वक्त बनते कैसे हैं, तो देखिए अब लिखा गया है कि सीखने के वक्त अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा को और गति प्रगति को ड्रॉप पे हम प्रदर्शित करते हैं, तो हमको जो नया निर्माण प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, अधिगम के वक्त कहते हैं। जनरली मैं अपने शब्दों में कहता हूँ कि सीखने की प्रक्रिया में जब हम सीखने के प्रयास और मात्रा को किसी रेखा की सहायता से प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं तो हमें एक नई रेखा मिलती है, और जो नई रेखा मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम का वक्र कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि कितने प्रकार के अधिगम वक्र होते हैं, तो देखिए अधिगम के वक्र जो हैं चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के अधिगम वक्र होते हैं, अधिगम के वक्र चार प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले को हम क्या कहते हैं, सरल रेखा वक्र कहते हैं, पहले वाले को हम क्या कहते हैं, सरल रेखा वक्र कहते हैं। दूसरे को हम उन्नतोदर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा उन्नतोदर, और तीसरे को हम क्या कहते हैं, नतोदर कहते हैं, और चौथा जो होता है वो उन्नतोदर और नतोदर का मिश्रण होता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित अथवा यश आकार का, यश फॉर सन वाला और यश आकार का अधिगम वक्र। मतलब अधिगम वक्र कुल मिलाकर के चार प्रकार के होते हैं, एक सरल रेखा वक्र, दूसरा आपका उन्नतोदर, तीसरा आपका नतोदर, और चौथा आपका मिश्रित या यश प्रकार का अधिगम वक्र। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो सरल रेखा वक्र होते हैं इनको कहते हैं ये केवल सैद्धांतिक होते हैं, यानी कि व्यवहारिक जीवन में इस प्रकार के अधिगम वक्र का निर्माण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में जब सीखने के प्रयास और सीखने की मात्रा दोनों इक्वल हो जाएं, यानी कि जितना हम अटेम्प्ट कर ले जाएं उतना हमको क्वांटिटी भी मिल जाए, तो ऐसे में जो अधिगम का वक्र बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, सरल रेखा वक्र कहते हैं। तो देखिए ये नहीं संभव होता कि अधिगम की प्रक्रिया में आप जितना प्रयास करते जाएं उतना ही आपको मात्रा मिल जाए। कभी कभी होता है कि प्रयास अधिक करते हैं मात्रा कम मिलती है, कभी कम प्रयास करते हैं अधिक मात्रा मिल जाती है। ऐसे में ये कहा जाता है कि सरल रेखा वक्र जो पहले प्रकार का हम कह रहे हैं वो आपका केवल सैद्धांतिक है, तो व्यवहारिक जीवन में ऐसा अधिगम वक्र नहीं बनता है। अगर हम उन्नतोदर की बात करें तो उन्नतोदर को हम क्या है, ऋणात्मक अधिगम वक्र भी कहते हैं, ऋणात्मक या नकारात्मक भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के अधिगम वक्र में स्टार्टिंग टाइम में, यानी कि जो लर्निंग प्रोसेस में आप इंटर करते हैं, तो बताया जाता है कि हम कम प्रयास करके अधिक मात्रा गेन कर लेते हैं, मतलब कि एफर्ट हमारे क्या होते हैं, कम होते हैं, तो क्वांटिटी हमको क्या मिलती है, अधिक मिल जाती है। बट जैसे जैसे हम लर्निंग प्रोसेस में आगे बढ़ते जाते हैं, आप देखेंगे कि हमारी एफर्ट जो है बढ़ते चले जाते हैं, एफर्टों की अपेक्षा में, एफर्ट जो हम करते हैं उनकी अपेक्षा में और क्वांटिटी जो है वो कम होती चली जाती है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, उन्नतोदर या ऋणात्मक अधिगम वक्र आप इसको कह सकते हैं, अथवा इसको नकारात्मक अधिगम वक्र भी कह सकते हैं। और ऐसा होता क्यों है, देखिए कभी कभी जब हम नए लर्निंग प्रोसेस में जाते हैं तो हमारे अंदर उत्साह होता है, इच्छा होती है, विषय वस्तु की रोचकता हमारे पास होती है, तो हम कम अटेम्प्ट करके बहुत अधिक गेन कर लेते हैं। बट जैसे जैसे हम लर्निंग प्रोसेस में आगे बढ़ते जाते हैं, देखते हैं कि वो उत्साह, इच्छा, अब प्रेरणा और सारी चीज़ें, विषय वस्तु और सारी चीज़ें कहीं ना कहीं विषय वस्तु भी जटिल होती है,
और सारी चीज़ों में कमी आती है, इच्छा और प्रेरणा इन सारी चीज़ में कमी आती है, तो जो मात्रा है वो नीचे चली जाती है। तो ऐसे में जो अधिगम वक्र बनता है उसको क्या कहते हैं उन्नतोदर या क्रीड़ात्मक अधिगम वक्र कहते हैं। और तीसरे टाइप का जो आपका है उसको क्या कहते हैं, नतोदर अधिगम वक्र, इसी को हम धनात्मक अथवा सकारात्मक भी अधिगम वक्र कहते हैं। तो बच्चों ये उन्नतोदर का ठीक अपोजिट होता है। ट्रेन की स्टार्टिंग में आप अधिक अटेम्प्ट करते हैं, एफर्ट करते हैं, बट आपको क्वांटिटी कम मिलती है, लेकिन जैसे जैसे आप लर्निंग प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं आपके प्रयासों की अपेक्षा मात्रा क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक अधिगम वक्र कहते हैं, या इसी को हम सकारात्मक अधिगम वक्र भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा है आपका मिश्रित अथवा यश का अधिगम वक्र। तो इसमें कहते हैं कि आपका उन्नतोदय और नतोदय दोनों का मिश्रण होता है। स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो आगे की विशेषता नतोदर की होती है, हाँ ठीक है, आगे की विशेषता नतोदर की होती है और पीछे की विशेषता उन्नतोदर की होती है। तो दोनों ही कंडीशन में आप देखेंगे कि स्टार्टिंग टाइम में और लास्ट के टाइम में दोनों ही समय में प्रयासों की अपेक्षा सीखने की मात्रा कम होती है। अगर पूछा जाए कि हमारे सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कौन सा अधिगम वक्र बनता है, तो बच्चों ये मिश्रित अथवा यश प्रकार का जो अधिगम वक्र बनता होता है यही सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बनता है। और उन्नतोदय की बात करें या ऋणात्मक वाले की, तो ये सबसे फेमस है, सबसे प्रचलित अधिगम वक्र होता है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये प्रश्न पूछा गया, सीखने के वक्त अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा गति और प्रगति को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करती है, किसका परिभाषा है? तो ये गेट्स व अन्य की परिभाषा है। मैं एक चीज आपको बता दूं कि यूपी टेट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और विकल्प में गेट्स व अन्य का नाम नहीं था, इसलिए जो भी प्रतिष्ठित आपकी मार्केट में अवेलेबल है या जो कुछ भी है वहाँ पे मार्क किया गया, स्टार बनाया गया है, और क्योंकि इसके लिए जनरल मार्किंग कर दी गई थी, विकल्प में गेट्स व अन्य का नाम नहीं था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थॉर्नडाइक से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए लिखा गया थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है। तो सबसे पहले मैं नियमों की बात कर लूँ। क्वेश्चन पूछा था कि सीखने के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो कई सारे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया है, बट हमारे सिलेबस यूपी टेट की 2018 का जो सिलेबस है या 2019 का जो भी सिलेबस है उसमें सीखने के नियमों की बात की गई और मेंशन किया गया थॉर्नडाइक के अनुसार। तो थॉर्नडाइक को जो सीखने के नियम है उसको मुख्य और गौड़ में दो भागों में बांटते हैं, बट आपको जो यूपी टेट में पढ़ना है वो केवल मुख्य नियम को पढ़ना है। तो वहीं से प्रश्न ये है, पूछा गया कि थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है। तो देखिए अगर हम थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों की बात करें तो उसमें अभ्यास की बात की गई है, उसमें प्रभाव की बात की गई है और उसमें तत्परता की बात की गई है। ये जो सी वाला विकल्प आपको दिखाई पड़े सहचर्य रूपांतरण का, ये मुख्य नियम ना होगा कि कौन सा नियम है, ये सीखने का गॉड नियम है, ठीक है। तो फिर यहाँ से मैं कंक्लूजन आपको देता हूँ, पूछा जाए कि सीखने के मुख्य नियम कितने प्रकार के हैं। तो सीखने के मुख्य नियम तीन प्रकार के हैं, कौन कौन से, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। फिर प्रश्न एक और यहाँ से बनता है कि सीखने के मुख्य नियमों में प्राथमिक कौन सा है, यानी कि थ्री टाइप्स ऑफ रूल्स हैं ऑफ लर्निंग, मुख्य वाले जो हैं उसमें अभ्यास, तत्परता, प्रभाव। क्वेश्चन आता है कि मुख्य नियमों में से प्राथमिक कौन सा है, तो अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि जो मुख्य नियम तीन बताए गए इसमें सबसे पहले अप्लाई कौन सा होता है। सबसे पहले हम किसी कार्य को करने के लिए क्या होते हैं, तत्पर होते हैं, देन हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं यानी कि अभ्यास करते हैं, और जब हम किसी कार्य का अभ्यास करते हैं तो उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सीखने के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो थॉर्नडाइक ने किया। सीखने के मुख्य नियम कितने प्रकार के बताए, तो तीन प्रकार के बताए। अब कौन सा शामिल नहीं है, तो देखिए सीखने के मुख्य नियम तीन है आपका, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, सीखने के तीन मुख्य नियम है। सहचर्य रूपांतरण मैं कह रहा हूँ ये गौड़ नियम है। फिर अगला प्रश्न बनता है कि सीखने के मुख्य नियमों में से प्राथमिक कौन सा है, प्राथमिक का मतलब सबसे पहले कौन सा अप्लाई होता है, सबसे पहले तत्परता का अप्लाई होता है, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं यानी कि अभ्यास करते हैं, और सबसे अंत में कौन सा लागू होता है हमारे ऊपर, सबसे अंत में हमारे ऊपर लागू होता है प्रभाव का या परिणाम का नियम। हाँ, यहाँ से एक और क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाए कि थॉर्नडाइक ने सीखने के किस नियम में बदलाव किया। तो आप देखेंगे कि यूजीसी नेट में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था एजुकेशन वाले पेपर में कि थॉर्नडाइक ने सीखने के किस नियम में बदलाव किया। तो आप देखेंगे कि थॉर्नडाइक ने सीखने का जो उनका प्रभाव वाला नियम था उसको बदल करके परिणाम का नियम कर दिया था। तो इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ अगर आपसे हम पूछे थॉर्नडाइक के संबंध में और कुछ जानकारी, तो देखिए थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर कहते हैं, या हम कह लें कि शिक्षा मनोविज्ञान इनकी पुस्तक का भी नाम है। हाँ, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक की बात की जाए तब भी हम थॉर्नडाइक को पढ़ते हैं। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि थॉर्नडाइक का संबंध किस देश से है,
तो बच्चों थांडाई का संबंध अमेरिका से है। पूछा इनके सिद्धांत का क्या नाम है, तो जो थांडाई का सिद्धांत उसको उद्दीपक अनुप्रया सिद्धांत कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का कहते हैं, प्रयत्न मूल सिद्धांत कहते हैं, बंधन सिद्धांत कहते हैं, संयोजनवाद का सिद्धांत कहते हैं, ESR टाइप थ्योरी कहते हैं, और इस डिफरेंट टाइप के नाम से जानते हैं। बस महत्वपूर्ण ये प्रयास एवं त्रुटि, प्रयत्न मूल और उद्दीपक अनुप्रया सिद्धांत। अच्छा ये पूछा जाए कि थांडाई ने प्रयोग किस पर किए, तो बहुत फेमस प्रयोग है इनका बिल्ली पर। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रहा है कि फाइनली थांडाई की बिल्लियाँ मिली गई, तो वो थांडाई ने जो प्रयोग किया उस किस पर किया, बिल्ली पर प्रयोग किया है, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे, अच्छा एक और चीज़, हाँ अगला प्रश्न जो है वो है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इवान पेट्रोविच पावलोव ने, इवान पेट्रोविच पावलोव ने। आपसे पूछा जाए कि ये अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया, तो ये अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो इसके प्रतिपादक कौन है, पावलोव महोदय हैं। इसी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, नोट करते चलिएगा, शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं, अथवा इसी को हम प्राचीन अनुबंधन भी कहते हैं। देखिए ये भी एक बार प्रश्न आया हुआ था, और शिक्षक भर्ती परीक्षा जो 6 जनवरी 2019 को संपन्न हुई थी वहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो प्राचीन अनुबंधन भी पावलोव का, इसको हम चिर सम्यक अनुबंधन भी कहते हैं, चिर सम्यक अनुबंधन भी कहा जाता है, अथवा आप चाहेंगे तो इसी को परंपरागत अनुबंधन भी हम कह सकते हैं, परंपरागत अनुबंधन भी आप इसको कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको शास्त्रीय अनुबंधन को क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं हम, ठीक है। अगर और ज़्यादा जानकारी हम पावलोव के संबंध में प्राप्त करें, तो पावलोव का संबंध रूस से था। 1904 ईस्वी में इनको जो जीवों की पाचन रेखा पे काम कर रहे थे, उसके लिए 1904 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। आपसे पूछा है पावलोव ने प्रयोग किस पर किया, तो पावलोव ने कुत्तों की लाल ग्रंथि पर प्रयोग किया। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है, तो व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चिंतन के अनुकूलन पर बल नहीं देता, तर्क के अनुकूलन पर बल नहीं देता, और अभिप्रेरणा के अनुकूलन पर भी बल नहीं देता है। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत अनुकूलन पर बल देता है, लेकिन किसके अनुकूलन पर, व्यवहार के अनुकूलन पर। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि पावलोव के अनुसार सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है, तो पावलोव के अनुसार सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है, अनुबंधन महत्वपूर्ण होता है। अक्सर मैं अपनी क्लासेस में चर्चा करता हूँ इस विषय पर, ठीक है। फिर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ये भी अधिगम से ही संबंधित आपका लिखा गया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम पूछा गया, यूपीटेट 2018 का आया हुआ प्रश्न है, यूपीटीईटी 2018 में आया हुआ प्रश्न है ये। आपको बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये मत सोचिएगा कि बहुत ईजी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, देखिए कुछ अलग से नहीं आता है, अगेन एंड अगेन क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यूपी टेट की यही तो विशेषता है कि क्वेश्चन को लगातार रिपीट करते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आ सकता है, फिर से आ सकता है, क्योंकि 18 में आया हुआ और इम्पॉर्टेंट है, लर्निंग के टॉपिक से रिलेटेड है। देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का पूछा गया है, तो यहाँ सबसे पहले प्राचीन अनुबंधन किसका, अभी मैंने यहाँ लिखा, देखिए प्राचीन अनुबंधन किसका, पावलोव का प्राचीन अनुबंधन, तो पहला विकल्प किसका हो जाएगा, यहाँ कहीं तो हम लिख देते हैं ये पावलोव का प्राचीन अनुबंधन, किसका है, पावलोव का। समीपस्थ अनुबंधन की बात की जाए तो ये आपके यूपीटेट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये गुथरी का सिद्धांत है, एडविन रे गुथरी का सिद्धांत है। गुथरी समीपता अनुबंधन, समीपस्थ अनुबंधन की बात करते हैं या समीपता अनुबंधन की बात करते हैं। फिर अगले देखिए चिन्ह से अनुबंधन लिखा गया, तो चिन्ह अनुबंधन जो है ये टॉलमैन का है, ये भी आपके यूपीटेट के सिलेबस में नहीं, आपको सीटेट में मिल सकता है। आपसे पूछा था साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो साइन थ्योरी का मतलब साइन थ्योरी यहाँ चिन्ह से है, चिन्ह अधिगम सिद्धांत आपसे पूछा जाए तो टॉलमैन का है, सीटेट में आपके काम आ सकता है। थैंक यू, जरूर बोलिएगा। और फिर देखिए आ गया आपका फाइनली आंसर आ गया, नैमित्तिक अनुबंधन। नैमित्तिक अनुबंधन की बात की जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहते हैं। अच्छा इसके प्रतिपादक के संबंध में पूछा जाए तो ये सिद्धांत के प्रतिपादक स्किनर हैं, इनका संबंध भी अमेरिका देश से है। और आप देखेंगे कि इसी नैमित्तिक अनुबंधन को हम और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे एक तो यहाँ लिखा ही हुआ है क्रिया प्रसूत, और दूसरा इसको हम क्या कहते हैं, सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत कहते हैं। इसको हम उत्सर्जित व्यवहार सिद्धांत भी कह सकते हैं, उत्सर्जित व्यवहार सिद्धांत। ध्यान दीजिए ये SR का ठीक उल्टा होता है, इसका अंदर इसको हम क्या कहते हैं, RS टाइप थ्योरी कह सकते हैं, आइदर हम इसको केवल R टाइप थ्योरी भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रतिपादक इसके कौन है, VS स्किनर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, विद्रोह की भावना किस अवस्था में देखी जाती है, बाल्यावस्था में नहीं देखी जाती है, शैशवावस्था में नहीं देखी जाती है, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो विद्रोह की भावना जो है ये
किशोरावस्था में देखी जाती है। और भी विशेषताओं की बात करें हम विद्रोह के अतिरिक्त, पूछा जाए स्वतंत्रता की भावना की बात है तो ये भी अपनी किशोरावस्था में आती है। हम समूहों का निर्माण कब करते हैं तो समूहों का निर्माण भी हम किशोरावस्था में ही करते हैं। पूछा जाए कि काम प्रवृत्ति विषमलिंगी कब होती है तो काम प्रवृत्ति विषमलिंगी कहाँ होती है, किशोरावस्था में होती है। आपसे पूछा जाए कि हमारे अंदर मित्रता की भावना कब आती है तो वो भी किशोरावस्था में आती है। पूछा जाए कि भाव प्रधान जीवन कब होता है तो किशोरावस्था में होता है। संघर्ष तनाव तूफान कब होता है ये भी किशोरावस्था में होता है। जीवन का कठिन काल किसको कहते हैं ये भी हम किशोरावस्था को कहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें पूछा जाए कि किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है या बुद्धि अपने अधिकतम बिंदु पर पहुँच जाती है तो ये भी किशोरावस्था होगा। शारीरिक विकास अपने उच्चतम बिंदु पर किस अवस्था में पहुँचता है तो ये भी कहाँ पर किशोरावस्था में पहुँचता है। और इस प्रकार की चीज़ें अगर पूछा जाए कि बालकों के अंदर राजनीतिक दलों का प्रभाव कब पड़ता है तो ये भी किशोरावस्था में। पूछा जाए कि बालक जो हैं समाज सेवा की भावना उनके अंदर कब आती है तो ये भी किशोरावस्था में। अगर पूछा जाए कि व्यवसाय की चिंता बालक में कब होती है तो ये भी किशोरावस्था। बहुत मुश्किल है किशोरावस्था, इसलिए कहते हैं जीवन का कठिन काल। पूछा जाए कि शैशवावस्था की पुनरावृत्ति किस अवस्था को कहते हैं तो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति जो वो हम किशोरावस्था को कहते हैं। और सारी चीज़ें हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। और लेकिन हाँ भाई, आप अपने विचार जो साझा कीजिएगा कि वीडियोज़ कैसे लगे। हम आपके साथ थोड़ा प्रयास कर रहे हैं आपको बेहतर उपलब्ध कराने का। और ये विश्वास कीजिए कि अभी जो करंटली वीडियोस पढ़े एक एक मैं दे रहा हूँ ये आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। लेकिन क्वेश्चंस हम कुछ लिखते हैं यानी कि कम से कम लिखते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन से एक्सप्लेन करने में उससे रिलेटेड आसपास की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सब मैं आप तक साझा करता हूँ। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, सब आपके लिए यूजफुल होंगे। पढ़ते रहिएगा उनको, लगातार वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। फिर विद्रोह की भावना, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया ये कहाँ हो जाएगा, किशोरावस्था में आपके अंदर हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो उसे हम क्या कहते हैं, लेटियस ऑफ लर्निंग कहते हैं, यानी कि अधिगम का पठार कहते हैं, ठीक है। एक अधिगम का वक्त लिखा गया तो यहाँ अधिगम वक्त इसको हम कहते हैं कि सीखने के वक्त अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा गति और प्रगति को सूचित करेंगे तो सीखने के वक्त कहेंगे। सीखने का पठार कब कहते हैं कि जब सीखने की अवधि, सीखने की प्रक्रिया की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो उसको हम पठार कहते हैं। स्मृति की बात की जाए तो सीखी हुई चीज को हम धारण करते हैं, धारण करने के बाद हम उसको पुनः स्मरण करते हैं, पुनः स्मरण करने के बाद जब हम उसको पहचान ले जाते हैं अथवा हम कह लें कि किसी चेतन अवस्था में सीखी हुई वस्तु को जब हम ज्ञान को अचेतन में इकट्ठा करते हैं और फिर अचेतन से वापस चेतन में लाने में सफल हो जाते हैं तो उसको हम स्मृति कहते हैं। चार एलिमेंट होते हैं स्मृति के, ध्यान रखिएगा, सीटक में आपकी काम आ सकता है कि आपकी स्मृति के चार तत्व होते हैं क्या, एक अधिगम, दूसरा धारण करना, तीसरा पुनर्स्मरण, चौथा आपका पहचान करना, ठीक है। तो स्मृति नहीं होगा, अवधान का मतलब यहाँ ध्यान होता है जब हम अन्य वस्तुओं की अपेक्षा किसी एक वस्तु पर केंद्रित हो जाते हैं तो इस सिचुएशन को अवधान, अटेंशन या ध्यान कहते हैं। ये भी आपके सीटक में काम आ सकता है, बट यहाँ सीखने के पठार की बात हम कर रहे हैं। तो जब सीखने की प्रक्रिया का वह समयकाल जब सीखने की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्टेबल हो जाता है, स्थिर हो जाता है तो उस समय को हम क्या कहते हैं, सीखने का पठार कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यूपी टेट में आते हैं कि सीखने का पठार बनने के कारण क्या है, तो मैं फाइनली एक सेंटेंस में आपको बोलूँ तो कहते हैं कि वह कोई भी कारक जो अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है उसकी वजह से अधिगम का पठार भी बन सकता है। फिर भी कुछ फैक्टर्स में मेंशन करना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले कहा जाए कि अगर विषय वस्तु को लिमिटेड कर दिया जाए, आपके नॉलेज को लिमिटेड कर दिया जाए, ज्ञान को सीमित कर दिया जाए, विषय वस्तु को सीमित कर दिया जाए तो नो डाउट कि इसकी वजह से अधिगम का पठार बन जाता है। बाकी मैं आप चर्चा कर रहा हूँ, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे हम बता सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि मैं ऐसे क्वेश्चन का समाधान कर दूँ, आंसर दूँ। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि बालक की अभिप्रेरणा में कमी आ जाए तो पठार बन जाता है, बालक की सीखने की इच्छा कम हो जाए तो पठार बन जाता है, अगर उसके उत्साह में कमी आ जाए तो पठार बन जाता है, अगर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए तब भी पठार बन जाता है, अगर हम कहें कि अनुपयुक्त शिक्षण विधि हो जाए तब भी पठार बन जाता है, अगर एक अध्यापक का व्यवहार निष्ठुर हो जाए तब भी अधिगम का पठार बन जाता है, अगर उसके परिवार का वातावरण अधिगम के अनुकूल नहीं है तो तभी पठार बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि परिवार का वातावरण का बालक की लर्निंग से क्या रिलेशन है, बिल्कुल है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप घर से लड़ाई झगड़ा मारपीट करके आएंगे तो स्कूल में, कॉलेज में, क्लासरूम में आप ठीक से सीख नहीं पाते हैं, तो वहाँ से भी इसका रिलेशन है। और विषय वस्तु कभी कभी जटिल हो जाती है, इस वजह से भी अधिगम का पठार बन जाता है। ये बहुत सारे कारक है जिसकी वजह से अधिगम का पठार बनता है। फाइनली एक सेंटेंस बोलना कि वह कोई भी कारक जो अधिगम की प्रक्रिया प्रभावित कर सकता है डेफिनेटली उसकी वजह से क्लैरिटी ऑफ लर्निंग बन सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, हम निराकरण कैसे करेंगे ये भी पूछा जाता है,
तो सबसे पहले निराकरण के उपाय की बात की तो भाई आपको ये जानना होगा कि अधिगम का पठार बना क्यों है, कारण जानना होगा, इसके लिए निदानात्मक परीक्षण करना होगा, देन हम उपचारात्मक कार्य को अपनाते हैं। उपचारात्मक कार्य में हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे विषय वस्तु की सीमा की वजह से पठार बना है तो विषय वस्तु को हम विस्तार दे देंगे, अगर विषय वस्तु जटिल है इसकी वजह से पठार बना है तो विषय वस्तु को आसान कर देंगे, सरल कर देंगे, तब भी पठार का निराकरण हो जाएगा। अगर बालक को थकान लगी इस वजह से पठार बना है तो हम क्या करेंगे, उसको आराम देंगे, पठार का निराकरण हो जाएगा। अगर अध्यापक का व्यवहार निष्ठुर है तो उसके व्यवहार में थोड़ा बहुत चेंजेस की हम गुजारिश करेंगे और हो जाएगा तो संभव है कि अधिगम पठार का निराकरण हो जाएगा। अगर हमके बालक की अभिप्रेरणा में कमी आ गई तो उसको अभिप्रेरित कर देंगे तो पठार उसका समाप्त हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें कि उसकी इच्छा कम हो गई तो सीखने की इच्छा को बढ़ा देंगे, इच्छा को इच्छा शक्ति को बढ़ा देंगे। ऐसे अगर रुचि बालक की कम होगी तो बालक को रुचिकर विषय वस्तु हम देने लग जाएंगे, उसको इंटरेस्टिंग बना देंगे एग्जाम्पल्स की सहायता से या और भी किसी तरीके से। अथवा कहा जाए कि बालक जो है उसके बालक के उत्साह में कमी आ गया तो बालक को उत्साहित कर दें, ये सारे तरीके हैं जिसकी सहायता से अधिगम का पठार का निराकरण कर सकते हैं। और तो आज हमने लगभग 7-8 क्वेश्चन पे डिस्कशन किया और उसमें कहीं ना कहीं हमने लर्निंग के टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन थे उन पर भी हमने चर्चा की। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन आपके लर्निंग में ही मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चन बहुत इत्तेफाक की बात नहीं है, मैं लगातार कहता हूँ कि 5-6 क्वेश्चन लर्निंग से आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन भी आपका लर्निंग से है, दूसरा भी लर्निंग से है, और तीसरा भी आपका लर्निंग से, ये चौथा भी लर्निंग से, ये पांचवा भी लर्निंग से है, और फाइनली छठवा भी लर्निंग से। 5 क्वेश्चन यूपीटर 2018 में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो मेरी बात को लाइटली मत लीजिए कि 5 से 6 क्वेश्चन यूपीटर में अधिगम के टॉपिक से आते हैं। आप प्रयास कीजिए, आपके प्रयासों के साथ मैं निरंतर आपके सहयोग के लिए उपस्थित हूँ। YouTube से हमारे देखिए, आप ऑफलाइन क्लास में आते हैं तो यहाँ से पूछिए, अगर आपको नहीं YouTube देख पा रहे हैं, ऑफलाइन क्लास में नहीं आ पा रहे हैं तो और भी डिफरेंट टाइप्स हैं जिसकी वजह से जिसके कारण से या जिसकी सहायता से आप हमसे सहायता ले सकते हैं। बस मोटिव ये है कि आप सफल हो जाएं, आप सफल होंगे बेहतर रिजल्ट आएगा, तो कहीं ना कहीं हमारे भी प्रयास को एक बल मिलेगा। और फिर मैं अगली परीक्षा में दोगुने उत्साह के साथ आप लोगों के सहयोग में आ सकता हूँ। बट ये है कि भाई देखिए वीडियो देखते हैं, अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए और नीचे जरूर बताइए 2 शब्द लिखने में क्या जाता है। दिन भर हम कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, ठीक है, पर 2 मिनट नहीं लगने हैं आपको एक कुछ 2-4 शब्द लिखने में, तो ज़रूर लिखिए। आवश्यक नहीं कि हमेशा पॉजिटिव ही लिखें, अगर आपको कुछ कमियाँ नजर आती है तो उनको भी आप कह सकते हैं, मैं उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जब आप कमियाँ बताएंगे आपको लगेगा कि हाँ यहाँ और ज़्यादा बेहतर हो सकता है, तो अगली बार मैं दोगुनी बेहतर कंडीशन के साथ आपके पास आऊँगा, ठीक है। तो आप देखते रहिए, मित्रों को भी दिखाएं, साझा करते हैं, लाइक और शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स अब स्लो स्पीड में बढ़ रहे हैं तो उसको भी थोड़ा बल दीजिए,